इस मूवी को देखने के बाद मैंने कुछ जगह इसको सर्च किया, इसके बारे में जानने की कोशिश की, क्या सच में इसमें जो है वो दिखाया गया वो रियल इवेंट है या फिर कुछ अपनी ही तरफ से इसमें ऐड किया गया। कुछ जगह रियल इवेंट्स दिखा रहा था कि हाँ इसके अंदर रियल इवेंट है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले। बाकी आप लोग सर्च कर लेना। आज की इस वीडियो में बात करूंगा फ्यूरी मूवी के बारे में जो 2014 के अंदर आई थी। तकरीबन ये मूवी 2 घंटे 14 मिनट लंबी है और इस मूवी को डायरेक्ट और राइट एक ही इंसान ने किया, डेविड एयर ने। इसके अंदर कास्ट है ब्रैड पिट, लोगन लर्मन, माइकल पहना और बाकी अन्य कलाकार। और जब मैं इसके बारे में सर्च और कर रहा था तब इसके बारे में पता चला कि भाई साहब इसकी पायरेसी हुई थी। पायरेसी मतलब कि इसकी चोरी हुई थी इस मूवी की, क्योंकि ये मूवी 2014 में आई थी और 2014 के टाइम में सोनी प्रोडक्शन ने इसको, मतलब सोनी प्रोडक्शन इसके साथ था और सोनी प्रोडक्शन ने 2014 के अंदर ये एक और मूवी द इंटरव्यू 2014 के अंदर ही रिलीज की थी। और उस द इंटरव्यू मूवी के अंदर जो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उसका मजाक उड़ाया, यानी उनका मजाक उड़ाया गया था, मुझे ना उड़ा दे। तो उसके चलते वहां की नॉर्थ कोरिया के एक हैकर ग्रुप ने गार्डियन ऑफ पीस, उसका नाम कहा गया, वो अपने आप को गार्डियन ऑफ पीस कहते हैं, उन्होंने जो इस सोनी के, सोनी प्रोडक्शन के या सोनी कंपनी के डेटा को हैक कर लिया था। बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने ले ली थी जिसके चलते ये मूवी भी उसकी चपेट में आई थी। खैर इससे क्या रिलेशन है इस मूवी का, देखो वो तो बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सर्च कर रहा था, मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा लोग आप लोगों को भी बता दूं। खैर छोड़ो, इस मूवी की कहानी के ऊपर आते हैं। इस मूवी में 1945 का टाइम दिखाया गया, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था उस वक्त। तो यूएस यानी अमेरिका आर्मी का एक ग्रुप, छोटा सा ग्रुप 5 सोल्जर्स का, जिसमें जिसको एक लीड करता है डॉन नाम का एक करेक्टर, ये जर्मनी में होते हैं और जर्मनी में इनको एक मिशन दिया जाता है। जर्मनी यानी हिटलर के खिलाफ लड़ रहे होते हैं तो इनको एक मिशन दिया जाता है। मिशन पूरा करने के लिए कुछ एक क्रू अपने साथ, ये 5 बंदे 5 सैनिक और भी 2-3 टैंक और इनके साथ और सोल्जर्स हैं, वो चल पड़ते हैं। जाते जाते ये अकेले हो जाते हैं, मतलब बाकी के लड़ते लड़ते और शहीद हो जाते हैं। अब एक जगह ऐसी जगह जो फंसते हैं ये लोग, ये 5 बंदों का एक ग्रुप जो है, वो एक ऐसी जगह जाके फंसता है जहाँ पर इनका टैंक खराब हो चुका है और सामने से 300 से 500 जो है वो सैनिक जो आ रहे हैं जर्मन के, इनके पीछे कोई नहीं, मतलब एकदम तो बिल्कुल खुला सुनसान सा इलाका है, हेल्प के लिए कोई नहीं है। सामने से बंदे आ रहे हैं, बंदे की आर्मी आ रही है 300-500 लोगों की, ये जवानों की। अब क्या होगा, क्या ये वापस भागेगा या फिर अपने आप को कैसे बचाएगा, लड़ेगा कैसे लड़ेगा, सारी चीज़ें जानने के लिए देखो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। और एक और बात मैं बताने भूल गई, ये मूवी कहाँ देखेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इस वीडियो के एंड में, ताकि ये कम से कम वीडियो पूरी तो देख लो। स्टार्टिंग में मूवी मे भी आप लोगों को थोड़ी बोर कर सकती है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं बन पाता है, लेकिन धीरे धीरे ये मूवी स्पीड पकड़ने लगती है। हाँ थोड़ा बहुत उसमें फायरिंग चल रही है क्योंकि वॉर के ऊपर रिलेटेड है, तो फायरिंग ऑब्वियसली इसके अंदर होनी है। फिर टाइम आता है कि आप, मतलब एक पीक लेवल पे जाती है जहां पर इंटरेस्ट अच्छा खासा क्रिएट हो जाता है, जैसे कि दो टैंक क्या काफी सारे टैंक के आपस में फाइट होती है और बहुत बढ़िया तरीके से उसको दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब उस वक्त ऐसा होगा कि आप एक पल भी अपनी पलकें नहीं झपकाना चाहोगे। और लास्ट के 20 से 30 मिनट तो इसमें बहुत बढ़िया फाइट दिखाई गई है, इमोशनल भी वो फाइट कर देती है। और जब ये मूवी खत्म होती है तो आप लोगों को वो फाइट, लास्ट वाली फाइट याद रह जाती है, आपके दिमाग में वो चलती रहेगी क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रही थी और इसके करेक्टर आपको याद आते रहेंगे। ये सब होना ये चीज दिखाती है कि यार इस मूवी का अफेक्ट आप लोगों के ऊपर अच्छा खासा पड़ने वाला है, मतलब ये इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर चुकी होती है। 1945 के टाइम को इस मूवी में अंदर बहुत बढ़िया से दिखाया गया है, फाइटिंग सीक्वेंस बहुत अच्छे से दिखाए गए, जो टैंक इसके अंदर दिखाए गए वो ओल्ड टाइप के बहुत बढ़िया लग रहे थे, मतलब एक विजुअल इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बढ़िया, और ये सारी चीजें मिलकर एक रियलिस्टिक, मतलब आप लोगों को एक एक्सपीरियंस देते हैं। अब एक चीज जो मुझे इसमें अटपटी लगी कि अमेरिका को जैसे रिप्रेजेंट इसमें किया गया, ऑब्वियसली अमेरिका एक मूवी है तो अमेरिका अपने आप को महान रिप्रेजेंट करेगा कि वो शांति प्रिय है, बहुत बड़ा रखवाला है, रक्षक है। अगर आप लोगों उनके बारे में, अमेरिका के बारे में जाने तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही ये एक मशिया के तौर पे, मतलब एक अपने आप को हीरो के तौर पे लेके आता है, इसको अपने डॉलर को, अपने अपने डॉलर को पूरी दुनिया के अंदर मतलब इंटरनेशनल करेंसी बना देते हैं। अब अगर इतिहास अगर आप देखो तो भाई साहब इससे बड़ा लालची देश कोई नहीं है, इसने जो करवाया अपने फायदे के लिए करवाया था, फिर भी अपने आप को शांति प्रिय दिखाने, तो ये चीज बड़ी अटपटी लगी कि हाँ यार वर्ल्ड वॉर टू के लास्ट में जो इसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराए थे, अपने परमाणु बम टेस्ट करने के लिए गिराए थे, इसको कोई लेना देना नहीं था उस चीज से, बस अपनी पावर दिखानी थी, अपने आप को ऊपर लेके आना था यूएसएसआर से, तो ये वाली जो चीज इन्होंने दिखाई थोड़ा बहुत वो भी तो दिखा देते, मतलब नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मूवी के ऊपर फोकस करते हैं। देखो इसमें परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, फाइटिंग सीक्वेंस काफी अच्छे हैं, ओल्ड टाइम जो दिखाया गया वो बढ़िया दिखाया गया, विजुअल इफेक्ट काफी अच्छे हैं, तो आई
आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो अगर आप लोगों को वॉर रिलेटेड मूवी पसंद है तो ये आप मूवी आप अच्छे से देख सकते हैं। ब्रैड पिट आप लोगों को पसंद है तो ये मूवी आप लोगों के लिए ही है। 5 अवार्ड्स ये जीत चुकी हैं, काफ़ी सारी मैंने इसकी गुण गिना दिए हैं। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 7 out of 10। सर अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। और अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ मिलेगी। नेटफ्लिक्स पर जाकर आप लोग इसको देख लेना, हिंदी डब में नहीं मिलेगी, इंग्लिश में ही आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा। बेशक काम चला लोगे, नीचे सबटाइटल आ रहे होंगे, जिनको शायद प्रॉब्लम होती है कि यार इंग्लिश समझ में नहीं आती जो वो बोलते हैं, तो नीचे सबटाइटल है, उससे आप इससे आसानी से काम चला सकते हो, वो रिलेटेड है, इसको अच्छे से समझ जाओगे। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।